Hello everyone, hope you are doing well. And today we have another topic to discuss that is very important. और जो आज हमारा topic of discussion है वो है VAT. और VAT को आप value added tax के नाम से पुकारते हैं. This is your value added tax. And VAT is also known as VAT को और क्या कहा जाता है? VAT को और sales tax भी कहा जाता है. ठीक है, सो वी आर सपोज टू डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल. तो पहले हम थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं और उसके बाद हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं टू मेक इट मोर सिंपल. तो सबसे पहली जो बात है वैट के बारे में वो ये है कि वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्सेशन. वैट क्या है? वैट इनडायरेक्ट टैक्सेशन है. इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब क्या होता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में. उसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वैट इज कलेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड ट्रेडर. वैट इज कलेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड ट्रेडर एंड it is administered by HMRC. HMRC stand for Her Majesty Revenue Custom. ये इदारा है UK के अंदर. VAT रजिस्टर्ड ट्रेडर कलेक्ट करता है जबकि उसकी जो निगरानी कर रहा होता है फाइनल वो HMRC कर रहा होता है. इसको भी हम डिटेल में देखेंगे. उसके बाद अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट वैट ऑन परचेजेस इज कॉल्ड एन इनपुट वैट एंड it is treated as current asset. जब भी आप चीज़ें ख़रीदते हैं तो सप्लायर को जो टैक्स पे करते हैं उसको इनपुट वैट बोलते हैं और इनपुट वैट को हम करंट एसेट ट्रीट करते हैं. क्यों करंट एसेट ट्रीट करते हैं इसको भी हम बाद में डिटेल में देखेंगे. इससे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वैट ऑन सेल्स इज कॉल्ड एन आउटपुट वैट एंड इट इज ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी. जब हम चीज़ें बेचेंगे तो कस्टमर से जो टैक्स कलेक्ट करेंगे उसको इनपुट वैट बोलते हैं, आउटपुट वैट बोलते हैं और वो हम एज अ करंट लायबिलिटी कंसिडर करेंगे. क्यों करेंगे इसको भी बाद में हम देखेंगे डिटेल में. इफ एट द एंड ऑफ ईयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल पीरियड input VAT is greater than an output VAT then the amount is recoverable from HMRC. इसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि what does this statement means कि इनपुट वैट साल के आखिर में अगर आउटपुट वैट से ज़्यादा आ रहा हो तो अमाउंट हमने रिसीव करनी है HMRC से. और इसी के ऑपोजिट स्टेटमेंट हम लिखेंगे इफ एट द एंड ऑफ अ
accounting period. If at the end of accounting period, output VAT is greater than input VAT, then amount is payable to HMRC. कि अगर साल के आखिर में आपका आउटपुट वैट ज़्यादा आ रहा है इनपुट वैट से, तो आपको पे करना होगा HMRC को. इसको भी हम देखेंगे डिटेल में. और जो लास्ट इसका पॉइंट है वो ये है कि रिपोर्टेड परचेजेस एंड सेल्स और रिकॉर्डेड as exclusive of VAT. ये आखिरी इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट वी हैव रिटन हेयर, वो ये है कि VAT इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्सेशन. नाउ what डू यू मीन बाय द वर्ड इनडायरेक्ट टैक्सेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इकोनॉमिक्स का वर्ड है. देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी टैक्स जो आपके ऊपर इम्पोज किया जाए, लेवाई किया जाए, आप उसका बर्डन नेक्स्ट पार्टी पे शिफ्ट कर दें, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एक मार्कर 50 रुपये का बेच रहा हूँ, हुकूमत कहती है कि मुझे इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट दें, तो मैं अब वो सॉरी 10% टैक्स पे करें, सेल्स टैक्स दें, तो अब मैं मार्कर 50 का नहीं बेचूंगा बल्कि 55 का बेचूंगा. इसका मतलब 5 का जो टैक्स है वो मैंने उस 50 की वैल्यू में डाल के मार्कर 55 का बेच दिया. तो इस तरह ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका बर्डन मैंने दूसरी पार्टी पे शिफ्ट कर दिया जो इसको ख़रीदेगा. हाँ, वो दूसरी पार्टी अगर इसको मज़ीद बेचेगी वो भी टैक्स वसूल करेगी, तो फाइनल इसका जो नुकसान है वो कंज्यूमर बर्दाश्त करेगा, क्योंकि कंज्यूमर ने तो वो मार्कर यूज़ करना है ना. तो इसका मतलब है कि वो टैक्स आगे से रिकवर नहीं कर सकता, तो लिहाजा द फाइनल लॉस इज सस्टेन बाय कंज्यूमर. वैट इज़ कलेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड ट्रेडर एंड एडमिनिस्टर्ड बाय HMRC. देखें, अब मैंने 50 का मार्कर 55 में बेचा है, मैंने 5 रुपये का टैक्स वसूल किया है, वो 5 रुपये का टैक्स जो गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर लेवाए किया, तो मैंने आगे कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया. तो कलेक्ट तो मैं ही कर रहा हूँ ना, वैट 5 का वैट मैंने कलेक्ट किया, और ये वैट फाइनली मैंने जमा कराना है हुकूमत को, और यूके की हुकूमत का डिपार्टमेंट है HMRC, वो ये वैट कलेक्ट करेगी. वैट ऑन परचेजेस इज़ नोन एज इनपुट वैट. जब मैं सप्लायर से चीज़ें ख़रीदूँगा तो उसको जो टैक्स पे करूँगा वो इनपुट वैट कहलाता है. अगर सप्लायर से मैंने मार्कर ख़रीदा है, उसने मेरे से टैक्स वसूल किया है, वो इनपुट वैट है, और उसको मैं करंट एसेट ट्रीट करूँगा. करंट एसेट इसलिए ट्रीट करूँगा कि जो वैट मैंने उसको पे किया है उसका बेनिफिट मैंने HMRC से क्लेम करना है. जब मैं चीज़ें बेचूँगा, वैट ऑन सेल्स इज़ कॉल्ड आउटपुट वैट. जो कस्टमर से मैं टैक्स वसूल करूँगा उसको मैं आउटपुट वैट बोलूँगा, और दैट इज़ माई करंट लाइबिलिटी. उसको मैं एज अ करंट लाइबिलिटी लिखूँगा, क्योंकि वो टैक्स मेरा तो नहीं है, वो हकूमत से रिलेटेड है जो मैंने कस्टमर से लिया है, तो दैट इज़ सपोज टू बी पेएबल टू हकूमत. ठीक है. इफ़ एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, अगर साल ख़त्म हो रहा है, रिपोर्टिंग डेट आ रही है, और ज़ाहिर है मैंने जितनी भी ट्रांजेक्शन की होंगी, सप्लायर से चीज़ें ख़रीदी होंगी, मैंने कस्टमर्स को बेची होंगी, तो नतीजा तो निकाला होगा ना, कितना वैट सप्लायर को पे किया, कितना वैट कस्टमर को पे किया, कोई नतीजा निकला होगा. वो नतीजा अगर ये निकला है कि साल का अख्ताम हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वाले हैं, तो पता चला इनपुट वैट बढ़ गया है. किस से? आउटपुट वैट से. क्या मतलब? मतलब ये कि आपने सप्लायर को ज़्यादा वैट पे किया, कस्टमर से कम रिसीव किया, क्योंकि कस्टमर को शायद चीज़ें बिक नहीं पाई उस तरह से जितना आपने ख़रीदी हैं. तो इसका मतलब आप ज़्यादा सप्लायर को वैट पे कराए हैं, तो आपका करंट एसेट ज़्यादा आ रहा होगा, चूँकि इनपुट वैट करंट एसेट ट्रीट किया जाता है, और जबकि कस्टमर से कम वैट रिसीव कर रहे हैं तो करंट लाइबिलिटी कम है. तो इसका नतीजा निकाला जाएगा, तो इसका मतलब आपका इनपुट वैट ज़्यादा है आउटपुट वैट से, तो आपने अमाउंट रिकवर करनी है किससे? HMRC से. बेनिफिट क्लेम करना है HMRC से.
और अगर इसी के ऑपोजिट चले जाएं, अगर ये हो जाए कि साल के आखिर में आपका आउटपुट वैट बढ़ जाए इनपुट वैट से, कि आपने कस्टमर से ज़्यादा रिसीव किया, सप्लायर को कम पे किया, इसका मतलब दैट गिव्स अराइज योर लाइबिलिटी, द अमाउंट इज़ पेएबल टू HMRC। क्या मतलब? मतलब ये कि आउटपुट वैट जो चीज़ें आपने बेची हैं कस्टमर से ज़्यादा वसूल कर लिया है, सप्लायर को वैट कम पे किया है क्योंकि कम चीज़ें खरीदी हैं, ज़्यादा मार्जिन डाल के बेचती हैं, तो अमाउंट जो है वो आपके पास एक्सेस पड़ी हुई है जो कस्टमर से वसूल की हुई है टैक्स की, तो दैट अमाउंट इज़ पेएबल टू HMRC। हाँ, आगे वो कहता है कि जो रिपोर्टेड परचेजेज होती हैं और रिपोर्टेड सेल्स होती हैं, रिपोर्टेड का मतलब होता है कि वो खरीद, वो चीज़ें जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी जाती हैं। आपको पता है परचेजेज और सेल्स कहाँ लिखी जाती हैं? इनकम स्टेटमेंट में। कहता है वो परचेजेज और सेल्स, उसमें वैट शामिल नहीं होगा। एक्सक्लूसिव ऑफ वैट का मतलब है वैट उसमें शामिल नहीं होगा। इसको फिर हम बाद में डिटेल में देखेंगे, व्हाट डज इट मीन। अच्छा, आगे चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल कोट करके आपको समझाता हूँ कि हम चले गए सप्लायर के साथ, क्योंकि आपको मैं पहले भी क्लासेस में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करता आया हूँ कि अगर हम बिज़नेस हैं तो हमारा सबसे पहला रिलेशनशिप बनता है सप्लायर के साथ, और दूसरा रिलेशनशिप हमारा बनता है किसके साथ? कस्टमर के साथ। तो सबसे पहले हम चीज़ें ख़रीदेंगे और उसके बाद चीज़ें हम बेचेंगे। अगर हम चले गए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक सप्लायर के पास और सप्लायर से हमने चीज़ें ख़रीदी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चीज़ें ख़रीद रहे हैं तो उसने हमें लिस्ट प्राइस कोट की है और लिस्ट प्राइस है 5000। ठीक है, लिस्ट प्राइस वो होती है कि जिसमें वैट शामिल नहीं हुआ हुआ होता। तो अब जब हम काउंटर पे आते हैं पेमेंट के टाइम में या अपनी इनवॉइस तैयार कर रहे हैं, अगर क्रेडिट के ऊपर चीज़ ख़रीद रहे हैं, तो वो कहेगा कि लिस्ट प्राइस में तो वैट शामिल नहीं है, आपको इसके ऊपर वैट भी पे करना है। तो वो इसमें ऐड कर देगा क्या? सेल्स टैक्स या वैट। एज्यूम करते हैं वैट का रेट है 20%। ठीक है, तो 5000 का 20% आपने लिया तो कितना बना? आप वर्किंग कर लेंगे यहाँ पर इफ़ यू वांट टू। 5000 का 20% लेना है तो 5000 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, इसका मतलब है कि आपको 1000 ऊपर क्या पे करना है? वैट पे करना है। तो 5000 में 1000 आपने ऐड किया, जब ऐड किया तो टोटल अमाउंट कितनी आई? टोटल अमाउंट आई आपकी 6000। अब ये जो टोटल अमाउंट आपकी 6000 आई है, इसको आप ग्रॉस कह सकते हैं इनवॉइस, इसमें वैट शामिल हो गया है। अब इसको आप ग्रॉस ऑफ वैट भी बोल सकते हैं या इंक्लूसिव ऑफ वैट, इंक्लूसिव ऑफ वैट। और ये जो 5000 की अमाउंट थी, इसमें वैट शामिल तो नहीं था ना, सेपरेट किया गया है, तो ये जो 5000 की अमाउंट है इसको आप नेट ऑफ वैट भी बोल सकते हैं या एक्सक्लूसिव ऑफ वैट, कि इसमें वैट शामिल नहीं है। ओके जी, अब इसकी जनरल इंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं कि इसकी जनरल इंट्री कैसे होगी। देखें, जब आप चीज़ें ख़रीदते हैं तो परचेजेस को डेबिट करते हैं, परचेजेस को हमने डेबिट किया। याद रखिएगा, परचेजेस की वैल्यू जब भी आप रिकॉर्ड करेंगे उसमें वैट शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर हम ये पढ़ आए हैं कि रिपोर्टेड परचेजेस आर एक्सक्लूसिव ऑफ वैट। समझ आ रही ना बात? इसका मतलब जो चीज़ें ख़रीदी हैं वो लिस्ट प्राइस के ऊपर ख़रीदी हैं 5000 की, तो परचेजेस आपकी 5000 से डेबिट होंगी। और उसको पे कितना करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्रेडिट के ऊपर चीज़ उठा रहे हैं तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है ना, पेएबल है, वो आपसे 6000 लेगा फ्यूचर में। वो जो 1000 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो वैट का पे कर रहे हैं, वो आपका करंट एसेट है, तो वैट को या आप सेल्स टैक्स को डेबिट कर लेंगे 1000 से, एंड दैट इज़ ट्रीटेड एज योर करंट एसेट, वो आपका करंट एसेट है, क्योंकि इनपुट वैट वो होता है कि जो आप सप्लायर को पे करते हैं उसका बेनिफिट आपने रिकवर करना है फ्रॉम HMRC, तो ये आपका करंट एसेट एज अ डेबिट हुआ, ये बैलेंस शीट में जाएगा। मेक सेंस? अब जब आप फ्यूचर में फॉर एग्ज़ाम्पल पे करते हैं किसको? सप्लायर को, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? आप पेएबल को डेबिट कर देंगे 6000 से और कैश को क्रेडिट कर देंगे 6000 से। अब यहाँ से एक बात पता चल रही है कि जब हमने फ्यूचर में पे किया है तो उस वक्त वैट रिकॉर्ड नहीं हुआ सेपरेटली, वैट तो पहले ही रिकॉर्ड हो गया था। ये देखें,
जब आपने इनवाइस रिसीव की है, चीज़ें रिसीव की हैं। इसका मतलब है कि वैट उस वक्त रिकॉर्ड हो जाता है कि जब आप चीज़ें रिसीव करते हैं, इनवाइस रिसीव करते हैं। जब पेमेंट कर रहे होते हैं तो वैट उस अमाउंट में ऑलरेडी शामिल होता है। देखें, 5000 की पेमेंट आपने 6000 बना के की है, आपने 1000 का वैट भी किया है इसमें शामिल। इसका मतलब वो जो पेमेंट कर रहे हैं आप, उस पेमेंट में वैट शामिल होगा, तो दैट इज़ ट्रीटेड एज इंक्लूसिव ऑफ वैट। मेक सेंस? अब एज्यूम करते हैं दूसरा रिश्ता आपका किससे बना, कस्टमर से बना, और कस्टमर को आपने चीज़ें बेचनी हैं। सो दिस इज़ योर कस्टमर हेयर। अब ज़ाहिर है जो चीज़ें आपने ख़रीदी होंगी 5000 की, उसमें आप अपना मार्जिन भी तो ऐड करेंगे। एज्यूम करते हैं वो चीज़ें आप फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें 2000 का मार्जिन ऐड करके 7000 की बेचते हैं, तो कस्टमर आपके पास आता है और आपने उसको लिस्ट प्राइस बना के दी है उन चीज़ों की, दैट इज़ 7000। इस 7000 में याद रखिएगा वैट शामिल नहीं होगा, चूँकि लिस्ट प्राइस में वैट शामिल नहीं होता। जिस प्राइस में वैट शामिल नहीं होता उसको एक्सक्लूसिव ऑफ वैट बोलते हैं। अब इसमें हम जब कस्टमर को चीज़ बेच रहे होंगे तो वैट ऐड करेंगे एट द रेट ऑफ 20%। अब वर्किंग कर लेते हैं इसकी, वर्किंग करते हैं 7000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज़ 1400। ऐसे ही है, तो 1400 का हम उससे वैट वसूल करेंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा इसका, ये 7000 में 1400 ऐड किया तो टोटल हो गया 8400। ये जो 8400 है इसमें वैट शामिल है, लिहाजा इसको इंक्लूसिव ऑफ वैट भी बोल सकते हैं या ग्रॉस ऑफ वैट भी बोल सकते हैं। ये INC का मतलब यहाँ से मुराद है इंक्लूसिव, कि इसमें वैट शामिल है, और ये जो 7000 था लिस्ट प्राइस, इसमें वैट शामिल नहीं था, लिहाजा इसको नेट ऑफ वैट भी बोल सकते हैं और एक्सक्लूसिव ऑफ वैट। अब जब चीज़ें हम बेचेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल उधार के ऊपर चीज़ें बेचते हैं, तो हम इसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, क्या रिसीवेबल्स को डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। अब हम ऊपर पढ़ आए हैं कि जो रिपोर्टेड परचेजेस और रिपोर्टेड सेल्स होती हैं उनमें वैट शामिल नहीं होता, दे आर एक्सक्लूसिव ऑफ वैट। इसका मतलब जो चीज़ें हम 7000 की बेच रहे हैं उसमें वैट तो शामिल नहीं है ना, वैट तो सेपरेटली है, तो 7000 सेल्स में लिखेंगे। टोटल उससे कितना लेना है कस्टमर से, 8400, तो 8400 से हम अपना एसेट डेबिट करेंगे, और वैट जो हम वसूल कर रहे हैं 1400 उसको सेपरेट क्रेडिट करेंगे। अब वैट जो सेपरेट क्रेडिट हो रहा है वो एज अ करंट लाइबिलिटी क्रेडिट हो रहा है, वैट जो सेपरेट क्रेडिट हो रहा है वो एज अ करंट लाइबिलिटी क्रेडिट हो रहा है, कि जो चीज़ें हम बेच रहे हैं उसके ऊपर कस्टमर से जो अमाउंट वसूल करेंगे एक्स्ट्रा, वो टैक्स की है, वो हमारी नहीं है, हमारी इनकम नहीं है, बल्कि दैट बिलोंग्स टू HMRC, इसलिए वो हमारी करंट लाइबिलिटी है। अब जब कस्टमर से वसूल करेंगे कैश, फ्यूचर में सेटल ट्रांजेक्शन होगी, तो कैश को डेबिट करेंगे 8400 से, और रिसीवेबल को ख़त्म करने के लिए रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देंगे 8400 से। तो आप देखें, जब अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं तो उस वक्त वैट सेपरेटली रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा ना, वैट तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ, वैट जब आपने इनवाइस कस्टमर को इशू की थी आपने 1400 उसी टाइम रिकॉर्ड कर दिया था। जब आप अमाउंट सेटल कर रहे हैं, अमाउंट रिसीव हो रही है, वैट सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं हुआ, बल्कि उस अमाउंट में वैट क्या है, इंक्लूसिव है। मेक सेंस? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पूरे साल ये दो इंट्रीज़ की हैं, आपने ये जानना है कि आपने वैट ज़्यादा रिसीव किया कस्टमर से या आपने सप्लायर को ज़्यादा पे किया, तो आप इसके लिए साल के आखिर में क्या करेंगे, आप इसके लिए साल के आखिर में एक लेजर बनाएंगे, जिस लेजर को आप नाम देंगे वैट का लेजर। तो आप वैट का लेजर बनाते हैं, डेबिट लेफ्ट साइड पे, क्रेडिट राइट साइड के ऊपर। अब जहाँ जहाँ वैट दिया हुआ है उस एंट्री को इसमें रिकॉर्ड करें। पहली एंट्री में वैट डेबिट हो रहा है, आप चले गए वैट के डेबिट साइड पे, ऑपोजिट रीज़न पेएबल थी, आप पेएबल की बजाय यहाँ पर इनपुट वैट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कितना था जी वैट के सामने अमाउंट, कितनी थी 1000,
ये देखें, ये वैट डेबिट हुआ हुआ था ना, वैट के सामने अमाउंट 1000 थी, तो वैट के लेजर की डेबिट साइड पे जाके हम लोगों ने 1000 लिख दिया। ऑपोजिट रीजन पेएबल लिखने की बजाय हमने नरेशन लिख दी कि इनपुट वैट है परचेजेस के ऊपर, सप्लायर को पे किया। अब दूसरी एंट्री में देखते हैं, ये देखें, ये वैट क्रेडिट हो रहा है और वैट क्रेडिट कितनी अमाउंट से हो रहा है, 1400। तो हम वैट की क्रेडिट साइड पे चले गए। ऑपोजिट रीजन रिसीवेबल है, हम इसकी नरेशन लिख देते हैं आउटपुट वैट कितना, 1400। ठीक हो गया, ये एंट्रीज दोनों की दोनों वैट से रिलेटेड हम लोगों ने डाल दी हैं उसमें। अब हम क्या करते हैं, अब हम ज़रा टोटल मारते हैं कौन सी साइड बड़ी है जी। तो देखा जाए तो क्रेडिट साइड बड़ी है, 1400 है, दोनों साइड पे 1400 आ गया। 1000 माइनस किया तो पीछे कितनी अमाउंट आई, पीछे आई है 400। और ये जो 400 है ये क्या आया है, ये आया है बैलेंस कैरी डाउन। और ये जो बैलेंस आया है, बैलेंस कैरी डाउन, लेट मी राइट इट अगेन, बैलेंस कैरी डाउन। और ये बैलेंस कौन सी साइड का है, ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है। और वैट का बैलेंस जब भी क्रेडिट आए तो इसका मतलब है दैट इज़ योर करंट लाइबिलिटी, द अमाउंट इज सपोज टू बी पेएबल टू HMRC, कि आपने जो चीज़ें खरीदी थी उसके ऊपर सप्लायर को 1000 का वैट पे किया, जो चीज़ें आपने बेची थी कस्टमर से 1400 का वैट आपने वसूल किया। इसका मतलब है कि आउटपुट वैट इज़ ग्रेटर देन इनपुट वैट, ये वाली बात जो है, द अमाउंट इज़ पेएबल टू HMRC। तो पेएबल आपकी लाइबिलिटी होती है ना, क्रेडिट साइड पे आती है। तो ये देखे ना, ये क्रेडिट साइड पे आपका 400 है, इसका मतलब दैट अमाउंट इज सपोज टू बी पेएबल टू HMRC। मेक सेंस। अब यही बैलेंस जो है ये अगले साल क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड के ऊपर ब्रॉड डाउन होगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने से, 400 से। अब एज्यूम करते हैं जब ये लाइबिलिटी वैट की हम HMRC को पे करेंगे तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, लाइबिलिटी जब ख़त्म होती है या कम होती है तो डेबिट करते हैं, हम वैट को डेबिट करेंगे 400 से और कैश को क्रेडिट कर देंगे, HMRC को पे करेंगे तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। जब भी आप वैट सेटल करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेबिट होगा और कैश का आउटफ्लो होगा। अब इसी लेजर जो अगले साल बनेगा इसमें अगर ये मैं एंट्री रिकॉर्ड करूँ तो वैट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे चले गए। ऑपोजिट रीज़न क्या है, कैश है 400। अगले साल अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, खरीदो फरोख्त होती नहीं है, तो देखें जो पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस था जब वैट की अमाउंट पे की है तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस कैरी डाउन आया ही नहीं, दोनों साइड पे 400 है तो ज़ीरो हो गया, तो वैट का खाता क्लोज हो गया। मेक सेंस, समझ में आ गया ये बात। चलें देखें, ये एंट्रीज तो सारी की सारी तब होंगी, ये कॉन्सेप्ट तब होगा कि जब आप वैट रजिस्टर्ड ट्रेडर हैं, मतलब कि आप HMRC से रजिस्टर्ड हैं, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट है। एज्यूम करते हैं कि अगर आप वैट रजिस्टर्ड ट्रेडर नहीं हैं और आप चीज़ें सप्लायर से ख़रीदते हैं तो फिर आप क्या वैट को सेपरेटली एज अ करंट एसेट इनपुट ऑफ वैट रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो अभी वो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। नॉट रजिस्टर्ड ट्रेडर, इसका कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका लेकिन है इम्पोर्टेंट नोयत का, लिहाजा हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। व्हाट डज इट मीन्स, सो हियर वी गो। इफ़ यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड ट्रेडर, आप फॉर एग्जांपल वही कॉन्सेप्ट एज इट इज़ मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे, ये जो हम 5000 वाला सारा पूरा लेके आए थे मैं इसी को कॉपी पेस्ट करने लगा और यहीं से समझाऊंगा कि हमने क्या करना। चलें जी, अज्यूम करते हैं कि हमने $5000 की चीज़ें ख़रीदी हैं, ऊपर वैट उसको पे किया 1000 और हमने टोटल इंक्लूसिव ऑफ वैट अमाउंट निकाल लिया 6000। अब हम वैट रजिस्टर्ड ट्रेडर नहीं है, ज़ाहिर है जिससे चीज़ें ख़रीद रहे हैं वो सप्लायर वैट रजिस्टर्ड ट्रेडर है। अब इसकी एंट्री क्या पास होगी, परचेजेस डेबिट करेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये जो वैट आपने डेबिट किया हुआ है सेपरेटली, आप डेबिट नहीं कर सकते इसको सेपरेटली, अगर आप वैट रजिस्टर्ड ट्रेडर नहीं हैं तो आप वैट को करंट एसेट बना ही नहीं सकते,
क्योंकि आप HMRC के समूह से उनसे रिकवरेबल अमाउंट मांगेंगे, अमाउंट रिसीव करेंगे। लिहाजा जब भी आप VAT रजिस्टर्ड ट्रेडर ना हों तो उस सूरत में आपने क्या करना है, उस सूरत में जो सप्लायर को आप टोटल अमाउंट पे कर रहे हैं VAT की, वो भी परचेजेस में शामिल कर देनी है, यानी कि वो 1000 भी आपने एक्सपेंस बना देना है। इसका मतलब परचेजेस डेबिट करनी है हमने कितने से, 6000 से, और पेएबल्स उसी तरह 6000 से क्रेडिट हो जाएंगे। सो व्हेन यू आर नॉट रजिस्टर्ड ट्रेडर ऑफ VAT, यू आर सपोज टू इनकॉर्पोरेट द अमाउंट ऑफ VAT इन परचेजेस, कि जब आप VAT रजिस्टर्ड ट्रेडर ना हो तो परचेजेस ही में VAT की अमाउंट जो है वो आपने शामिल करके एक्सपेंस बना देना है। आप VAT को सेपरेटली करंट एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मेक सेंस? अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, वो है इफ प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ VAT, इफ प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ VAT, अगर जो प्राइस आपको कोट की जा रही है उसमें VAT जो है वो क्या है, शामिल है, तो फिर VAT कैसे निकालेंगे। जैसे कि अज्यूम करते हैं, देखें आपके एक शॉप के ऊपर आपने एक चीज़ पसंद की और उसने कहा कि जनाब इसकी प्राइस जो है वो है 6000, ठीक है, और दैट इज़ योर ग्रॉस प्राइस। उसने 6000 कोट की है और कहा है कि सर इसमें VAT जो है वो शामिल है, इंक्लूसिव है। जब आप VAT रजिस्टर्ड ट्रेडर हैं तो आपने एंट्रीज क्या पास करनी है, आपने परचेजेस को डेबिट करना है, VAT को भी डेबिट करना है, ऐसे ही है ना, परचेजेस को भी डेबिट किया, VAT को भी डेबिट किया, और आपने पेएबल्स को क्रेडिट करना है। अब मसला ये है कि वो जो प्राइस आप कोट की गई है उसमें VAT तो शामिल है, आपने परचेजेस में VAT जो लिखना है, अमाउंट लिखनी है, उसमें VAT शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऊपर पॉइंट में लिखा है कि रिपोर्टेड परचेजेस आर एक्सक्लूसिव ऑफ VAT। अगर ये हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, अगर आपको रेट ऑफ VAT पता है, मैं इधर वर्किंग कर देता हूँ छोटी सी, आपको पता है कि आजकल मार्केट में VAT का रेट जो है वो 20% जा रहा है, एज्यूम करते हैं, और आपको ग्रॉस प्राइस कोट की गई है दैट इज 6000, ठीक है, और इसमें VAT शामिल है। जब भी जिस प्राइस में VAT शामिल होगा, जिस प्राइस के साथ इंक्लूसिव ऑफ VAT लिखा होगा, या जिस प्राइस के साथ ग्रॉस ऑफ VAT लिखा होगा, तो आपको रेट दिया होगा, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये करना है कि रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करते हुए 100 जो आप लिखेंगे उसमें वही ऊपर वाला रेट शामिल कर देना है, ठीक है। जब भी VAT इंक्लूसिव हो, जिस प्राइस में VAT कोटेड हुआ वह ऑलरेडी, VAT के अमाउंट उसके अंदर से निकालने के लिए रेट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हुए 100 में रेट ऐड कर देना। अगर रेट दिया होता 10 और प्राइस आपको 6000 दी होती और इसमें VAT शामिल होता, तो 6000 को 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हुए 110 लेना था। अब यहाँ पर 20 है तो डिवाइड करते हुए 120 लिया। जब आप ये लेंगे तो VAT की अमाउंट अंदर से निकल के बाहर आएगी, दैट इज़ 1000। तो अब आप क्या करेंगे, आपको पता चल गया कि जो कोटेड प्राइस है 6000, इसमें VAT शामिल है, 1000 का VAT है, परचेजेस में तो VAT लिखना नहीं होता, उसको सेपरेट लिखना है, 6000 में से 1000 माइनस किया तो जो चीज़ें आपने ख़रीदी हैं वो 5000 मालियत की हैं, उसके ऊपर VAT 1000 है, टोटल उसको कितना पे करना है, 6000 पे करना है। बात समझ आ गई कि जब भी VAT शामिल होगा किसी भी सवाल में, चाहे वो किट का हो चाहे वो पेपर का हो, लिखा हो VAT इज़ इंक्लूसिव या ग्रॉस ऑफ VAT अमाउंट के साथ रेट से मल्टीप्लाई करते हुए डिवाइड करते हुए 100 में रेट ऐड कर देना है। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और बात है कि अगर आप रजिस्टर्ड ट्रेडर नहीं हैं और आप चीज़ें बेचते हैं कस्टमर्स को, तो उससे आप VAT रिसीव नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना। ज़रा जब आप VAT रिसीव करेंगे फॉर एग्जांपल, तो ऑटोमेटिकली आपने अपने पास रखना है HMRC को तो पे नहीं करना, तो कस्टमर आपसे डिमांड कर सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर VAT का क्या है, मैं ज़रा देखता हूँ आपकी रजिस्टर्ड हैं भी कि नहीं, फिर आप VAT रिसीव नहीं कर सकते। अब आगे चलते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं VAT की, उनको देख लेते हैं। VAT रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, VAT से रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। नंबर वन,
देखें, वैट उसी वक्त आप क्लेम कर सकते हैं या पे कर सकते हैं जब एक वैलिड इनवॉइस होनी चाहिए। वैलिड इनवॉइस का मतलब क्या है? दैट इज़ इशूड बाय सप्लायर या दैट इज़ इशूड बाय यू टू योर कस्टमर। ठीक है, इनवॉइस का कॉन्सेप्ट हमने डॉक्यूमेंट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन में पढ़ा डिटेल में। इट इज़ अ डिमांड फॉर पेमेंट जिसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होगा या बिजनेस का नाम और उसके ऊपर सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स लिखी हुई होंगी। वैलिड इनवॉइस होनी चाहिए सप्लायर की तरफ से। अगर आपने वैट क्लेम करना है ना कि आपने सप्लायर को पे किया, तो ज़ाहिर है आपने HMRC को प्रूफ भी तो देना है, तो वो एक इनवॉइस आनी चाहिए सप्लायर की तरफ जिसके ऊपर लिखा हो लिस्ट प्राइस इतनी थी, वैट मैंने इतना शामिल किया, टोटल अमाउंट मैंने इनको इतनी कोट किया। फिर उस इनवॉइस के ऊपर वैट रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन होना चाहिए ताकि आप ये भी कंफर्म कर सकें कि वाकई वो बिज़नेस रजिस्टर्ड भी है वैट का या नहीं, क्योंकि आपने तो टैक्स पे करना है। अगर रजिस्टर नहीं है तो वो आपसे टैक्स वसूल नहीं कर सकता। इसी तरह आप कस्टमर से वसूल नहीं कर सकते क्योंकि इनवॉइस के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए, तब कस्टमर आपको देगा। अगर नहीं लिखा हुआ तो कस्टमर कहेगा मैं तो आपको दूंगा ही नहीं टैक्स, आप तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। मेक सेंस? उसके बाद और क्या मेंशन होना चाहिए? रेट ऑफ वैट, कि आप कितना वैट जो है वो कोट कर रहे हैं। वैट के डिफरेंट रेट्स हैं, एक ज़ीरो रेट होता है और एक एग्जेम्प्टेड रेट होता है और एक स्टैंडर्ड रेट होता है, एक लोअर रेट होता है। ये बुक में डिटेल्स में लिखा हुआ है, आप उसको लाजमी गो थ्रू कीजिएगा। किस रेट के साथ आपने चीज़ें बेची हैं या चीज़ें ख़रीदी हैं वो रेट मेंशन होना चाहिए उस इनवॉइस के ऊपर। फिर अमाउंट ऑफ वैट मेंशन होनी चाहिए, अमाउंट क्या है वैट की रेट के बाद कैलकुलेटेड हुई हुई। और उसके बाद जो मेंशन होना चाहिए दैट इज़ टैक्स पॉइंट। टैक्स पॉइंट का मतलब होता है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, कि उस इनवॉइस के ऊपर ये ट्रांजैक्शन की डेट मेंशन होनी चाहिए ताकि पता चले ये कौन से फिस्कल ईयर में। जो टैक्स रिलेटेड पीरियड होता है ना उसको फाइनेंशियल पीरियड नहीं कहते, फिस्कल पीरियड कहते हैं। वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया होता है, क्या उस पीरियड में ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, या नेक्स्ट पीरियड में आ रहा है या उससे पिछले पीरियड में आ रहा है। ये वैट के रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि फुलफिल होना ज़रूरी है। मेक सेंस? अब इसी से रिलेटेड एक और जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, दैट इज़ डिस्काउंट्स। थैंक यू।